राजगढ़ में सीए की समर्थन रैली में बीजेपी नेता को थप्पड़ मारकर सुर्खियों में आने वाली कलेक्टर निधि निवेदिता पर कार्रवाई हो सकती है। निवेदिता पर एक एएसआई को थप्पड़ मारने का भी आरोप लगा था, जो प्रमाणित हो गया है। डीजीपी वीके सिंह ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को खत लिखकर इस संबंध में जानकारी भेजी है। डीजीपी ने खत में लिखा है कि कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मामला 19 जनवरी का है, जब सीएए के समर्थन में हुई रैली के दौरान ड्यूटी पर तैनात एएसआई नरेश शर्मा ने शिकायत की थी कि कलेक्टर निधि निवेदिता ने उन्हें थप्पड़ मारा। एएसआई नरेश शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा था कि दोपहर 1 बजे वो ड्यूटी पर तैनात थे, उसी दौरान कलेक्टर मैडम आई और गाड़ी का गेट खोलकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। कलेक्टर के इस व्यवहार से वो बहुत आहत हैं। इस शिकायत की जांच एसडीओपी सौम्या अग्रवाल ने की थी, जो सही पाई गई। अब जब डीजीपी ने इस मामले में गृह विभाग को लेटर लिखा है, तो आईएएस एसोसिएशन और आईपीएस एसोसिएशन में मतभेद उजागर हो गए हैं।